नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम अयोध्या का एयरपोर्ट कितना बन चुका है, कैसे बन रहा है, पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ साथ में आपको हम बताएंगे यहां से अयोध्या के जो अच्छे होटल हैं वो कितनी दूरी पर हैं और क्या प्राइजेस हैं उनके। इसके अलावा आप अयोध्या कैसे घूम सकते हैं, अयोध्या के सभी टूरिस्ट प्लेस आप कैसे जाएंगे और कहां से कितनी दूरी पर ये सभी टूरिस्ट प्लेस हैं, अयोध्या एयरपोर्ट से इनकी दूरी कितनी है और अयोध्या के रेलवे स्टेशन से यदि आप जाते हैं तो अयोध्या के टूरिस्ट प्लेस आपसे कितनी दूरी पर हैं और आपको कैसे कैसे घूमना है, पूरी डिटेल में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए पहले आपको अयोध्या के एयरपोर्ट हम दिखा देते हैं। आप ये देख रहे होंगे तो यहाँ पर पेंटिंग का काम शुरू हो गया है, अभी वॉल पुट्टी लगाई जा रही है और क्योंकि बारिश हो गई थी, बारिश होने के बाद मौसम भी आप देख रहे होंगे तो काफी अभी घने बादल दिखाई दे रहे हैं और बारिश होने की वजह से काम थोड़ा रुकावट भी आई थी, लेकिन अब अयोध्या का एयरपोर्ट बहुत तेजी से काम शुरू हो गया है। अयोध्या के एयरपोर्ट को जल्द से जल्द बनाने की तैयारी हो गई है क्योंकि अभी से ही अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। अयोध्या दीपोत्सव में नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। अयोध्या एयरपोर्ट की आपने वैसे तो कई वीडियो देखी होंगी, ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है और इस वीडियो में आपको मैं फुल डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ। आप ये देखेंगे पिलर भी लगभग बन के तैयार हो चुके हैं और पिलर बनने के बाद में जो मेन काम है, जो कि काफी बड़े काम जो होते हैं एक एयरपोर्ट में, आप देखेंगे पिलर काफी बड़े बड़े हैं, ये बनाए जा रहे हैं। इन काम के होने के बाद में जो छोटे छोटे काम बचेंगे वो बहुत तेजी से हो जाएंगे। अंदर पेंटिंग का काम लगातार चल ही रहा है, ग्लासेस लगाने का काम अलग चल रहा है, ग्लास लगाने वाली टीम अलग से काम कर रही है और अंदर जो मैंने आपको दिखाया था पेंटिंग का काम देख रहे होंगे आप, अंदर दिखाई दे रहा है, ये तो मैं अंदर चल के आपको दिखाता भी हूँ। तो पेंटिंग का काम भी बहुत तेजी से हो रहा है और आप ये देखेंगे पिलर जो है लगभग सभी पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार मैं दिखा देता हूँ, चलिए हाँ इस तरफ से देखिए ये वाला पिलर भी पूरा बन गया है और ग्लास भी आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पर ये बनाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। और अयोध्या से जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप आएंगे अयोध्या घूमने के लिए, तो अयोध्या एयरपोर्ट यदि आप उतरते हैं, अयोध्या एयरपोर्ट से जो राम मंदिर की दूरी है एक पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको हम लेके भी चलेंगे, घुमाएंगे भी, सभी टूरिस्ट प्लेस को दिखाएंगे भी और साथ में ही आपको हम बताते भी रहेंगे। तो जैसे कि पहले हम आपको बता देते हैं, ये गुम्बद आप देख रहे होंगे ऊपर, ये मंदिर का जो विशाल का एक गुम्बद बनाया जाता है, बहुत सुंदर बनाया जाएगा और इसी के लिए देखिए ढांचा पूरा बनकर तैयार है और इसपे ईंट ले जाने के लिए, पत्थरों को लगाने के लिए, पत्थर को ऊपर ले जाने का काम भी शुरू हो चुका है। अयोध्या एयरपोर्ट को आप एक बार इस तरफ से देखेंगे तो लगभग आपको देख रहा होगा काफी पत्थर लग चुका है और सभी पत्थरों को ले जाकर एयरपोर्ट के नजदीक रख दिया गया है क्योंकि काम को बहुत तेजी से खींचा जा रहा है। और इसी नवम्बर में दीपोत्सव से पहले कोशिश की जा रही है कि लगभग एयरपोर्ट को कम्प्लीट कर लिया जाए और आने वाले राम मंदिर के जब उद्घाटन होगा, राम मंदिर के जब द्वार खोले जाएंगे प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर का अनावरण होगा, उसके बाद से आप सभी अयोध्या एयरपोर्ट पर डायरेक्ट लैंड कर सकेंगे, अपने प्लेन से आ सकेंगे, कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से आप सीधा अयोध्या एयरपोर्ट आ सकेंगे। और अयोध्या एयरपोर्ट से जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है वो लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर है और अयोध्या एयरपोर्ट से लगभग अयोध्या कैंट का जो स्टेशन है वो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक बात और हम आपको बता देते हैं, अयोध्या एयरपोर्ट आने के बाद में आपको चलना चाहिए सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए, पहले आप जा सकते हैं अपने होटल में, होटल के बाद में आप जाएंगे हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए। हनुमानगढ़ी दर्शन राम मंदिर से पहले बताया जाता है कि हनुमान जी उनके सेवक हैं, उनके द्वार पे रहते हैं, तो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। और उसके अलावा सभी टूरिस्ट प्लेस मैं आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं और साथ में ही उनके बारे में बताऊंगा कैसे कैसे आप जाएंगे, जिससे बहुत ही आसानी से आप सभी प्लेसों को घूम सके और आने में आपको जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम पहले आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले अपने होटल या आप जहां भी स्टे कर रहे हैं आप सबसे पहले वहां जाएंगे और होटल में आप पहुंचेंगे, आप इंजॉय करेंगे, रुकेंगे, कुछ देर आराम करेंगे, उसके बाद आप निकल सकते हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए। होटल आपको यहां से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल हैं,
आप हमारे चैनल पर होटल की भी बहुत सारी वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, जब आप होटल से निकलेंगे तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, जो मैंने आपको बता दिया है, आप जाएंगे हनुमानगढ़ी की तरफ। लीजिए, कर लीजिए हनुमान जी महाराज के दर्शन। हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे, बगल में है दशरथ भवन। दशरथ भगवान का भी आपको पूरा नजारा हम दिखाएंगे। यहाँ से रास्ता हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम जन्मभूमि की ओर जाता है। अभी हम चलेंगे दशरथ भवन और दशरथ भवन के आपको दर्शन कराएंगे। दशरथ भवन जो हनुमानगढ़ी से महज 400 मीटर की दूरी पर है, आपको हम फुल डिटेल में बता रहे हैं आपको कैसे कैसे घूमना है। हनुमानगढ़ी से 400 मीटर की दूरी पर है दशरथ भवन, आप यहाँ के दर्शन करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं कनक भवन। कनक भवन माता सीता को माता कैकेयी ने मुंह दिखाई के रूप में दिया था और सबसे बड़ा भवन है, बहुत ही सुंदर भवन है, आप यहाँ जरूर आइएगा और यहाँ पर जो पद चिन्ह है वहां के भी दर्शन जरूर। इसके बाद हम चल रहे हैं राम की पैड़ी की तरफ। राम की पैड़ी कनक भवन से महज 500 मीटर की दूरी पर है, आपको हम फुल डिटेल में जानकारी दे रहे हैं जिससे बहुत ही आसानी से आप पूरी अयोध्या को एक्सप्लोर कर सकेंगे या पूरी अयोध्या घूम सकेंगे। चलिए राम की पैड़ी का कुछ नजारा आपको दिखा देते हैं। जहां पर अयोध्या का दीप महोत्सव शो होता है, जो लेजर शो होता है, वो राम की पैड़ी पर ही होता है। बहुत ही खूबसूरत नजारा है यहाँ का। यहाँ के बगल में 100 मीटर की दूरी पर आप बगल में जाएंगे तो सरयू घाट है। यहाँ की नदी में आप यहाँ पर नाव का नजारा ले सकते हैं, नाव से मजे ले सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं। और अब जटायु क्रूज भी सरयू घाट में चलने लग गया है, सरयू नदी में चलने लग गया, तो उसका भी आप इंजॉय ले सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में लता मंगेशकर चौक है, तो आप वहां भी घूम सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अयोध्या के सभी टूरिस्ट प्लेस एक्सप्लोर करते हुए आपको सभी टूरिस्ट प्लेस घुमाते हैं। ये गुप्तार घाट का बहुत ही पुराना, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है गुप्तार घाट, आप जरूर आइएगा। गुप्तार घाट काफ़ी सुंदर स्थान है अयोध्या में और शाम के समय तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर देखने लायक होता है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे राम मंदिर की तरफ, राम मंदिर के भी आपको दर्शन हम कराएंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, अभी हम चलते हैं राम मंदिर अयोध्या की तरफ प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो बोले जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बोले जय श्री राम। राम जन्मभूमि पथ की तरफ हम लोग आ गए हैं। आगे हम कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए यहाँ तक की वीडियो आपके लिए बना दी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।